नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बीते 2 सालों में कोरोना वायरस ने देश और दुनिया में जमकर तांडव मचाया है। लंबे समय बाद जब वायरस के मामले कम हुए तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब इस महामारी का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर डराने लगा है। ताजा अपडेट की बात करें तो तेलंगाना में आज ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में यह आंकड़ा 20 हो गया है। बीते 2 सालों में कोरोना वायरस ने देश और दुनिया में जमकर तांडव मचाया है। भारत में अचानक सैकड़ों की संख्या में मौत की खबर से रह रहकर रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। लंबे समय बाद जब वायरस के मामले कम हुए तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब इस महामारी का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर डराने लगा है। ताजा अपडेट की बात करें तो तेलंगाना में आज ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में ये आंकड़ा 20 हो गया है। वहीं देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 134 केस पाए गए हैं। तेलंगाना के अलावा ओमिक्रॉन ने कई अलग राज्यों में भी तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। आज महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 और नए मामले आ गए हैं। इनमें से 4 मरीज मुंबई एयरपोर्ट सर्विलांस, 3 सतारा और 1 मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र का है। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 48 हो गया है। वहीं कर्नाटक में भी 5 नए केस सामने आए हैं। बता दें कि तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन पाया गया है। इनमें दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ शामिल हैं। हालातों के मद्देनजर मुंबई नगर निगम ने आने वाले 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे और नए साल के जश्न को लेकर कुछ खास गाइडलाइंस जारी की हैं। वहीं कोरोना के पुराने वेरिएंट का उत्पात अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 7,145 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 289 लोगों की मौत हुई है। साथ ही पूरे देश में कोरोना के 84,565 सक्रिय मरीज हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का कहर जोर पर है। इधर ब्रिटेन में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 93,045 मामले दर्ज किए हैं, जो लगातार तीसरे दिन एक और रिकॉर्ड रहा। ओमिक्रॉन की तेजी इसी से समझ आती है कि इससे लंदन और स्कॉटलैंड में डेल्टा मामलों को पछाड़ दिया है। गुरुवार को ओमिक्रॉन के 1691 मामले सामने आए थे। इसके अगले दिन 3201 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 14,909 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यहाँ इस वेरिएंट से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। WHO और वैज्ञानिक इस वेरिएंट को लेकर लोगों को लगातार आगाह कर रहे हैं। ओमिक्रॉन को डेल्टा की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। नए शोध से पता चला है कि नया वेरिएंट बड़े पैमाने पर फैल रहा है। इससे बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन के 2 डोज हद तक कारगर है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।